नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां, कोई हताहत नहीं, चार बदमाश हुए गिरफ्तार। आज देवरिया के वेस्टर्न चौराहे सुभाष चौक कोऑपरेटिव के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कार सवार बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन चौराहे पर काफी भीड़ होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। गाड़ी को रोकने के लिए एसओजी टीम द्वारा चार पहिया वाहन के पहिए पर गोली मारी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि बदमाशों और पुलिस की तरफ से 8-9 गोली चली। एसओजी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गोरखपुर से एक चार पहिया वाहन से कुछ बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गोरखपुर से देवरिया की तरफ आ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए एसओजी टीम ने बैतालपुर पुलिस चौकी से पहले बदमाशों की घेराबंदी की रणनीति बनाकर बदमाशों को पुलिस ने रोकना चाहा तो कार तेजी से देवरिया शहर की तरफ भाग निकली, जिसकी सूचना एसओजी टीम द्वारा वायरलेस सेट पर उच्च अधिकारियों को दी गई। उस वक्त एसआई राम वृक्ष यादव सुभाष चौक पर यातायात व्यवस्था की कमान संभाले हुए थे। उनके दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर चौराहे पर खड़ी गाड़ी को रोक लिया गया। पीछे से आ रही एसओजी टीम और बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। जैसे तैसे कर पुलिस ने और TSI राम वृक्ष यादव की बहादुरी से बदमाशों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें चार बदमाशों को एसओजी टीम अपने साथ अज्ञात स्थान को ले गई। गाड़ी का नंबर बिहार का बताया जा रहा है। देवरिया से जिला संवाददाता नदीम खान की रिपोर्ट।